हस्बे ज़रूरत सैंडविचेस के अंदर लगाने के लिए, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला हाफ टी स्पून, एक चुटकी हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, एक लेमन, 3 ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबल स्पून सिरका, खीरे के स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, टमाटर के स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत, 1 प्याज स्मॉल साइज चॉप किया हुआ, चिकन 150 ग्राम्स, ब्रेड स्लाइसेस 4। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और इन सब चीज़ों को साइड पे कर देंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया, चिकन को मैंने पहले से ही छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लिया था, बोनलेस है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, सिरका ऐड कर देंगे, नींबू निचोड़ देंगे, बीज मैंने पहले से ही निकाल लिए थे, अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन मैरिनेट होने के लिए तैयार है, हम इसे 15 मिनट के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, फ्लेम को ऑन करेंगे, मीडियम टू लो पे रखेंगे, पैन रखेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून, ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, चिकन ऐड करेंगे, इसी तरह हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सिरका लगाने का मकसद यह है कि हमारा चिकन अच्छे तरीके से जल्दी ही गल जाए। जब तक पानी खुश्क हो जाए हम इसे पकाएंगे, 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ढक्कन रखने के ऊपर, मीडियम टू लो फ्लेम पे। टमाटो रखेंगे,